नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों को क्लासी मार्केट में। तो चलिए देखते हैं कल यानी कि एक्सपायरी के दिन हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या लेवल रहना चाहिए एंड क्या ट्रेडिंग प्लान रहना चाहिए। दोस्तों ये वाले वीडियो में कल के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या लेवल रहना चाहिए सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑप्शन चेन का एनालिसिस करने वाले हैं जो कि एक्सपायरी के लिए तो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो का ऑप्शन चेन एनालिसिस पार्ट वाला आप जरूर देखना दोस्तों। एंड दोस्तों आज के लेवल कैसा लगा यार बता दीजिए, उसके लिए लाइक तो कर दीजिए, आजकल भूल जाते हैं। 200 पॉइंट का मोमेंटम दिया दोस्तों जो मैंने लेवल दिया था, तो वीडियो के 700-800 लाइक बनता। एंड दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल क्लासी मार्केट ज्वाइन नहीं किए, एक्सपायरी है, कल एक्सपायरी स्पेशल में लेवल दूंगा, डिस्क्रिप्शन लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों हर दिन फ्री में मैं लेवल देता हूं, आप देख सकते हैं आज भी 8000 प्रॉफिट, 12000 प्रॉफिट, सब कुछ फ्री वाले लेवल से ही आन के 43000 प्रॉफिट। आप बोलोगे कैसे, क्योंकि क्लियर कट आप देख सकते हैं दोस्तों रीजन और लॉजिक के साथ सुबह-सुबह मैंने दे दिया था दोस्तों क्लियर कट, एक लेवल दे दिया था 35302 ब्रेक एंड सस्टेन देन सेल बोल के, आप देख सकते हैं जब मार्केट ऊपर था। उसके बाद दोस्तों मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेवल ब्रेक किया, थोड़ा सस्टेन किया, पुल बैक मारा, उसके बाद कंटिन्यूअसली लेवल गिरते चला गया। इसके बाद दोस्तों ऑप्शन चेन का एनालिसिस कौन फ्री में देता है, फ्री वाले टेलीग्राम ग्रुप पे क्लियर कट लॉजिक रीजन के साथ बताया, कॉल राइटर भर भर के बैठे हैं, मार्केट नीचे ही आएगा बोल के 11:36 पे बताया था, टाइम देख सकते दोस्तों इसी के आसपास मैंने बताया था, उसके बाद मार्केट नीचे ही आया। तो जाइए दोस्तों फ्री वाले टेलीग्राम चैनल क्लासी मार्केट ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो में, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। कॉल या फिर पुट अगर आप होल्ड करके बैठे हैं तो कल के दिन क्या हो सकता है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी से, ठीक है दोस्तों। एंड ज्वाइन नहीं किया है अभी कभी जाइए फ्री वाले टेलीग्राम चैनल क्लासी मार्केट, आप ज्वाइन कर लीजिए, क्लिक करके डिस्क्रिप्शन लिंक है। सिंपल सी बात है, बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हैं पहले प्राइस एक्शन के हिसाब से देखते हैं, उसके बाद हम ऑप्शन चेन पे आएंगे। देखिए दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है, प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी अगर कल के दिन फ्लैट या फिर थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग हो गया और 35648 लेवल को जैसे ही ब्रेक किया इसके ऊपर सस्टेन करने लग जाता है, डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। क्यों मैं रीजन बता रहा हूं, देखिए दोस्तों 35648 ये कौन सा एक लेवल था, आप क्लियर कट आप खुद ही आप समझ जाएंगे, ये एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन था, राइट। क्लियर कट आप देख सकते हैं इसी के प्लेस से मार्केट ऊपर गया था बैंक निफ्टी, और अभी आप अगर देखो तो यही सपोर्ट जोन कल हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की जैसा काम करेगा। और बैंक निफ्टी भी नीचे तो गिरा लेकिन एंड में आके डे के हाई के आसपास क्लोजिंग हुआ, तो 36648 का जो लेवल है दोस्तों कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके ऊपर अगर निकलता है तो ये जो सपोर्ट है कल रेजिस्टेंस की जैसा काम करेगा, रेजिस्टेंस ब्रेक किया तो डेफिनेटली ऊपर जा सकता है, ऊपर से इतना बड़ा जो अगेन गैप है 800 पॉइंट का वो भी कल फील हो सकता है, क्योंकि दोस्तों कल एक्सपायरी है और गलती से अगर ऊपर चलने लग गया तो कॉल राइटर ट्रेफ हो जाएंगे, और अगर 35912 के ऊपर गया तो पक्का फिर 300-400 पॉइंट का आपको अपसाइड का रैली देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी को आप सेल कब कर सकते हैं, देखिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर गैप डाउन ओपनिंग हो गया अगेन 300-400 पॉइंट, 34900 लेवल को जब तक बैंक निफ्टी ब्रेक नहीं करता तब तक आपको सेल नहीं करना है, क्योंकि एक बेस बन चुका है बैंक निफ्टी। आप देख सकते हैं मार्केट आज नीचे आया, थोड़ा ऊपर गया, एग्जैक्टली यहां पे डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर गया है, तो दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं 34900 एक डॉट सपोर्ट जोन है, इसके नीचे जब तक नहीं जाता आप क्यों सेल करेंगे, राइट। आप फंसेंगे अगर इसके जोन के बीच में सेल करेंगे तो ऊपर का लेवल मैंने आपको बता दिया, डाउन साइड का लेवल बता दिया। अब चलिए देख लेते हैं ऑप्शन चेन के हिसाब से आपको क्या नजर आ रहा है बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन पे आ चुका है, इसको आप ध्यान से देखना दोस्तों, इसके लिए ही वीडियो को लाइक बनता है यार। ये हमारा कॉल राइटर और ये हमारा पुट राइटर, कॉल राइटर हमेशा हमारा रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं और पुट राइटर हमारा सपोर्ट क्रिएट करते हैं। बैंक निफ्टी को अगर आप देखो दोस्तों तो बंद हुआ है 35475 के आसपास, ठीक है। अब अगर कॉल राइटर को देखोगे तो 35500 पे आप कॉल राइटर देख लीजिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। 35500 में दोस्तों कॉल राइटर बैठे हैं, 1,000,000 प्लस कॉल राइटर आज के दिन ऐड हुए हैं, तो 1,000,000 प्लस कॉल राइटर दोस्तों क्लियर कट वो चाह रहे हैं कि कल के दिन मार्केट 35500 के नीचे ही रहे बोल के, और इसीलिए 1,000,000 प्लस कॉल राइटर ऐड हुए हैं दोस्तों। उसके बाद आप देख सकते हैं हर एक लेवल पे कॉल राइटर अच्छा खासा बैठे हैं, 3,00,000, 13,00,000, 2,00,000। बट अगर आप पुट राइटर को देखो जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं है दोस्तों, पुट राइटर अगर आप देखोगे ओनली 1,00,000, 1,00,000, 4,00,000, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कल के लिए, 35500 का लेवल में अभी से बता रहा हूं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि 1,000,000 प्लस कॉल राइटर बैठे हैं, गलती से कल के दिन आप खुद सोचिए 35500 के ऊपर निकलना चालू कर दिया तो जो 1,000,000 प्लस कॉल राइटर वो फंसेंगे, और जब वो फंसेंगे तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, अच्छा खासा बैंक निफ्टी में एक अपसाइड का मूव आपको देखने को मिल सकता है। ये कॉल राइटर जो आप देख रहे हैं सारे के सारे ट्रेफ हो जाएंगे और सब कुछ शॉर्ट कवरिंग रैली आपको देखने को मिलेगा। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर कल के दिन ब्रेक किया तो डेफिनेटली
बाय कर सकते हैं, सेलिंग के साइड थोड़ा आप कम सोचिए कल के लिए। अब चलिए देख लेते हैं निफ्टी में क्या कर सकते हैं। देखिए निफ्टी में भी बहुत सिंपल सा व्यू दोस्तों, अगर कल के दिन फ्लैट या फिर गैप अप ओपनिंग हुआ 16676 अगर 77 अगर ब्रेक किया, डेफिनेटली आप बाय कर सकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि आप क्लियर कट देख सकते हैं 16677 एक बहुत ही सिंपल सा एक रेजिस्टेंस है, आज के दिन का हाई है दोस्तों। गैप डाउन ओपनिंग हुआ, मार्केट ऊपर गया और यहां से फिर मार्केट गिरता चला आया, तो कल के दिन अगर इसके ऊपर निकलना चालू करता है तो मैं गारंटी आपको दे सकता हूं ये जो गैप है दोस्तों 100-200 पॉइंट का, 100 पॉइंट का, वो तो क्लियर कट एक फील कर सकता है, 100 पॉइंट तो पक्का मूव कर सकता है अगर 16677 के ऊपर गया तो। रीजन आपको बताएं कि हां भाई एक रेजिस्टेंस भी ब्रेक करेगा, ऊपर से ये जो गैप है वो गैप फील कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो बहुत सिंपल सा व्यू है, 16843 के ऊपर अगर निकलना चालू किया तो ही जाके आपको बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि इसका रीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट है। 16843 ये क्या था, एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन था, आप क्लियर कट देख सकते हैं, ये जो जोन था दोस्तों ह्यूज सपोर्ट जोन था 16843, और इसी लेवल को दोस्तों निफ्टी टच कर रहा था, ऊपर जा रहा था, टच कर रहा था, ऊपर जा रहा था, बाद में क्या किया निफ्टी ने ब्रेक दे दिया, राइट, ब्रेक डाउन दे दिया। उसके बाद आप देख सकते हैं अगर अगेन इसी सपोर्ट जोन को निफ्टी कल के दिन आप खुद सोचिए टच किया, यहां से एक तो घूम जाएगा क्योंकि इसी सपोर्ट जोन, क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पे रेजिस्टेंस जोन भी है, तो ये रेजिस्टेंस की जैसे काम करेगा, घूम जाएगा, और गलती से अगर कल के दिन 16843 के ऊपर निकलना चालू कर दिया तो जैकपॉट एक्सपायरी होने वाला है, अच्छा खासा अपसाइड का मूव देने वाला है, क्योंकि पूरे के पूरे स्पेस बचाएं दोस्तों निफ्टी में, ये भी गैप फिल हो जाएगा तो अच्छा खासा अपसाइड का मूव आपको दे सकता है, देखने को मिल सकता है। तो अपसाइड का आपको समझ में आ गया, और ये जो रेजिस्टेंस है 16677 ये भी आपको समझ में आ गया, सेल कब करना है। देखिए दोस्तों निफ्टी अगर कल के दिन गैप डाउन थोड़ा सा ओपनिंग हुआ और 16485 के नीचे जब तक नहीं जाता आप लोग सेल मत कीजिए। हां कल के दिन अगर 16485 के नीचे चला जाता है डेफिनेटली आप सेल कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये भी एक डबल पैटर्न बनाया है, आज निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग हुआ, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे फिर आया, एक क्लियर कट आप देख सकते हैं यहां पे एक बेस बनाया, एक क्लियर कट एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, उसके बाद ऊपर गया है, तो इसके नीचे निकलता है तो ही जाके बायर स्ट्रांग नहीं हो जाएंगे, वो ढीला पड़ जाएंगे, सेलर स्ट्रांग हो जाएगा और मार्केट को वो नीचे लेके आएगा। तो 16485 के नीचे आपको सेल करना है, ऊपर का तो लेवल मैंने आपको बता दिया। अब चलिए देख लेते हैं ऑप्शन जिनके हिसाब से आपको क्या नजर आ रहा है। देखिए दोस्तों ये है हमारा कॉल राइटर, ये है हमारा पुट राइटर। कॉल राइटर को अगर आप देखो तो निफ्टी क्लोजिंग हुआ है दोस्तों 16627 पे, तो आप 700 पकड़ लेते हैं एक राउंड फिगर, ठीक है। आप देख सकते हैं दोस्तों 16600 कॉल राइटर के कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दिन दोस्तों, आप इसको ध्यान से देखिए 16600 12-15 लाख प्लस कॉल राइटर आप देख सकते हैं आज के दिन एड हुए हैं, तो इनको अभी भी कॉन्फिडेंस है कि कल के दिन मार्केट नीचे ही रहेगा बोल के 16600 से। 16700 का आप लेवल देखिए, इससे भी और ज्यादा 16 लाख प्लस कॉल राइटर आज के दिन एड हुए हैं, तो इनको तो और भी कॉन्फिडेंस है कि भाई मार्केट इसके नीचे ही रहेगा 16700 के नीचे। और अगर आप पुट राइटर को देखो तो वो बेचारे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं है दोस्तों, ताकत नहीं दिख रहा है, 3 लाख 17000 2 लाख 3 लाख, लेकिन इधर अगर आप देखो तो 10 लाख प्लस 15 लाख 16 लाख 12 लाख, तो दोस्तों कल के दिन इंटरेस्टिंग रहने वाला है। गलती से अगर ऊपर 16677 की निकलने लग गया इसके ऊपर तो डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि कॉल राइटर फंस जाएंगे और दोस्तों 16843 के ऊपर निकलता है तो आप समझ सकते हैं ये जो कॉल राइटर इतना कॉल सेल करके बैठे हैं इनका क्या हालत होगा, आप समझ सकते हैं अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिलेगा। तो कल के दिन इंटरेस्टिंग रहने वाला है, ऊपर के साइड पे ब्रेकआउट दिया तो डेफिनेटली आप बाय कर सकते हैं। दो आपको मैंने रीजन बता दिया, सब कुछ लॉजिक। अगर आपको आज का लेवल पसंद आया दोस्तों तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दीजिए, एनालिसिस लॉजिक समझ में आया तो कमेंट कर दो यार, सबका कमेंट मैं प्रॉमिस करता हूं पढ़ता हूं। एंड दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल क्लासी मार्केट ज्वाइन नहीं किए जल्दी से जाइए ज्वाइन कर लीजिए, लिंक को क्लिक करके अपने मम्मी पापा को बहुत 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 सारे प्यार दीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के दिन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।